में अभी पर पूरे देश को नास है। देखिए रिपोर्ट। यह है देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ऑपरेट कर रहे लोको पायलट पर गौर कीजिए। जी हाँ, सही पहचाना, हिंदुस्तान की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन की कमान नारी शक्ति के हाथों में है। ये है सुरेखा यादव, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाकर इतिहास रच दिया। वो वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। यूं तो सुरेखा देश ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं, और वो लंबे समय से रेलगाड़ी भी दौड़ाती आ रही हैं। लेकिन इस बार वंदे भारत जैसी प्रीमियर ट्रेन चलाने की कमान उन्हें मिली तो एक इतिहास रच गया। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर हूँ इंडियन रेलवेज में, और इसका मुझे बहुत गर्व है कि ये चलाने का मौका मुझे मिला और ये भारतीय रेल ने ये मौका मुझे दिया, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इस फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी, और अब इस वंदे भारत को चलाने की जिम्मेदारी रेलवे ने अपने सबसे ज्यादा अनुभवी महिला लोको पायलट सुरेखा यादव को सौंपी। तो उन्होंने बगैर हिचकिचाए इस जिम्मेदारी को उठाया और उसे बखूबी निभाया भी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सुरेखा के हौसलों को सलाम किया और लिखा, ये नए भारत की नारी शक्ति का आत्मविश्वास है। जीवन के हर क्षेत्र में आज महिलाएं जिन उपलब्धियों को अपने नाम दर्ज करा रही हैं, वो अमृतकाल में देश के संकल्पों के साकार होने का विश्वास दिलाती हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सुरेखा यादव के वंदे भारत ट्रेन चलाने की तस्वीर ट्वीट कर उनकी खूब तारीफ की। मेमोरेबल डे 13 मार्च 2023 को मैंने सोलापुर से मुंबई 22226 वंदे भारत चलाई थी, जो भारत में एक इतिहास की तौर पे दर्ज हो गया है। ये सुनहरा दिन है मेरे लिए कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वंदे भारत चलाऊंगी जो पहली महिला रहूंगी। महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद रेलवे में आई और 1988 में देश की पहली महिला लोको पायलट बनी। मालगाड़ी से लेकर लोकल, मेल, एक्सप्रेस ट्रेन तक चला चुकी 57 साल की सुरेखा के खाते में अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत दौड़ाने का अनुभव भी शामिल हो गया है। नारी शक्ति की इस कामयाबी पर पूरे देश को नाज है। टीम न्यूज़ नेशन।